होम्योपैथी से इलाज के लिए डॉक्टर वरुण कनवाड़िया का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि होम्योपैथी से आप कितने बेहतर तरीके से अपने हाइपोथायरायडिज्म नामक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर हाइपोथायरायडिज्म है क्या। हाइपोथायरायडिज्म का मतलब है कि आपके गले में एक तितली नुमाकार ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अगर वो कम काम करे या ठीक से ना काम करे, इसके चलते आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उनकी कमी हो जाती है और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। साधारण तौर पर थायराइड ग्लैंड का काम ये होता है कि वो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करे, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स रेगुलेट करे, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करे, इसके अलावा हार्ट बीट और हार्ट रेट को भी ये रेगुलेट करता है। दोस्तों अगर ये थायराइड ग्लैंड जो है ठीक से काम नहीं करेगा तो ये सभी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। आपका मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाएगा जिसके चलते हो सकता है कि आपको वेट गेन होने लग जाए और आप कैलोरी कम बर्न करें जबकि आपकी डाइट नॉर्मल है, फिर भी आप वेट पुट ऑन करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा हो सकता है कि आपको ठंड ज़्यादा लगने लग जाए जिसमें क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी थकान भी महसूस करें जिसमें आपको वीकनेस फटीग जैसा महसूस हो क्योंकि आपके अब एनर्जी लेवल्स में अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहे हैं। साथ साथ आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी और बीपी भी आपका लो रहने लगेगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई फील होगी। आपको आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं क्योंकि एक महिला में ये जो हॉर्मोन्स हैं काफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, हॉर्मोनल लेवल्स रेगुलेट करते हैं, तो पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं। दोस्तों ये थे प्रमुख कारण। दोस्तों और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग भी इनफर्टिलिटी यानी जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा होता जिन महिलाओं को, उनमें भी हाइपोथायरायडिज्म सबसे मेन कारण माना गया है। आखिर अब मैं बताता हूँ ये हाइपोथायरायडिज्म हो क्यों जाता है। होता ये है कि हमारा एक दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH नाम का हार्मोन निकालता है। TSH जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये सीधा जाता है और गले में जो हमारे थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है और ये थायराइड ग्लैंड आयोडीन की मदद से T3 और T4 नाम के दो हार्मोन बनाता है। किसी भी लेवल पे कोई भी परेशानी होगी और थायराइड ग्लैंड मान लीजिए कमज़ोर हो गया है, मान लीजिए कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है कि थायराइड ग्लैंड में जो लोग जो सेल्स जो फॉलिकल्स T3 T4 बनाते थे वो किसी ऑटो इम्यून डिजीज के चलते ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ऐसे में होता ये है कि दिमाग से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH तो निकल रहा है लेकिन वो जितना मर्जी थायराइड ग्लैंड को पुश करे पोक करे लेकिन थायराइड ग्लैंड जो है इनफ T3 T4 नहीं बना पाता। जब ऐसे केस में जब हम मरीज का ब्लड टेस्ट कराते हैं तो TSH के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई आते हैं जबकि T3 T4 के लेवल्स कम आते हैं। हो सकता है T3 T4 के लेवल नॉर्मल हो जबकि TSH का लेवल ज़्यादा हो। ऐसे केसेस में मरीज को लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं या कईयों में नहीं भी दिखते हैं। इसे हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म। इसमें यह होता है कि ब्लड टेस्ट में तो हाइपोथायरायडिज्म आ रहा है लेकिन मरीज को भी लक्षण शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन अगर T3 T4 का लेवल भी कम हो गया है और TSH का लेवल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो T3 T4 बनाता है और TSH का लेवल उसे बढ़े जा रहा है, वो बोल रहा है और बनाओ लेकिन थायराइड ग्लैंड तो काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए T3 T4 का लेवल घटता जा रहा है। ऐसे केस को हम बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। जो लोग आयोडीन कम मात्रा में लेते हैं या जिंक कम मात्रा में लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता और T3 T4 भी नहीं बन पाता, ऐसे लोगों में हम आयोडीन युक्त चीज़ें लेने को बोलते हैं। जैसे हम उन्हें बोलेंगे कि आप खूब सारी जैसे फिश हो गई और ड्राई फ्रूट्स हो गए, अखरोट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब चीज जो लोग सेवन करते हैं उनमें थायराइड के जो TSH का लेवल है वो थोड़ा काबू में भी आ जाता है, आयोडीन भी मिल जाता है और आयोडाइज सॉल्ट, हाँ जी हाँ आयोडाइज सॉल्ट भी आप इस्तेमाल करेंगे
तो आपका आयोडीन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और आपका थायराइड ठीक काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपका हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ठीक नहीं होता है, तो आपके लिए मैं बताऊंगा पांच ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक कर देंगी। सबसे पहली होम्योपैथी में दवा आती है कैल्केरिया काप। कैल्केरिया काप दोस्तों हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को ठंड बहुत लगती है, बहुत जल्दी वो वेट गेन करते हैं, इसके अलावा उनके मेंसेस इरेगुलर होते हैं, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उनको जुखाम खांसी भी बहुत जल्दी जल्दी लगती है और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ऐसे लोगों को हम देते हैं कैल्केरिया काब। कैल्केरिया काब 30 पोटेंसी में चार चार बूंदें सुबह शाम डेली कम से कम 1 महीने के लिए, और आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको कैल्केरिया काप से आराम ना पड़े तो आप दूसरी दवा स्टार्ट कर सकते हैं कैल्केरिया काप बंद करके, और उस दूसरी दवा का नाम है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण है कि आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस होती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और सर में चढ़ के सर दर्द करती है, और आप कुछ भी खाते हैं तो बहुत जल्दी, आप कम भी खाना खाते हैं बहुत जल्दी आपका वेट पुट ऑन होता है। जब आपका वेट पुट ऑन होता है तो आपके मेंसेस इररेगुलर हो जाते हैं, इसके अलावा आपको डिप्रेशन और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, आप बहुत चिड़चिड़ा रहने लगेंगे, और ऐसे केस में जो भी लोग आते हैं उनको स्किन भी बहुत ड्राई होती है तो स्किन पे भी वेरियस टाइप के इरप्शंस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, खुजली होती है जिनमें, और उनमें डिस्चार्ज भी निकलता है चिपचिपा, ऐसे केस में आप ले सकते हैं ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में चार चार बूंदे सुबह शाम लगभग 1 महीने के लिए, और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में बेहतरीन आराम आ जाएगा। जिन भी मरीजों को ग्रेफाइटिस से भी आराम नहीं आया है, कैल्केरिया और ग्रेफाइटिस से भी आराम नहीं आया, तो तीसरे नंबर की हमारी दवा है जिसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत टेम्परामेंटल महिलाएं होती हैं जो बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, थोड़ी गुस्सैल होती हैं, उसके अलावा उनके पेट में बहुत गड़बड़ी रहती है, गैस बनती है, उनका पेट एक बारी में कभी साफ़ नहीं होता, कब्जी रहती है उनको, हाइपोथायरॉयडिज्म में कब्जी रहती है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा उनको जब तक वो स्ट्रॉन्ग चाय वगैरह ना पी लें तब तक उनको आराम नहीं आता, उनको मोशन नहीं पास होता, इसके अलावा उनमें वेट गेन की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और स्किन भी काफ़ी ड्राई होती है। ऐसी महिलाओं को और ऐसी ही महिलाओं ने एलोपैथिक दवाइयाँ का सेवन भी बहुत किया होता है, तो ऐसे केस में हम उनको देते हैं नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए उनका थायराइड लेवल काबू में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारी चौथे नंबर की जो दवा है वो है, उसका नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला वो महिलाएं जिनको वेट गेन करने की टेंडेंसी है, जिन्हें प्यास बहुत ज़्यादा कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, इसके अलावा पीरियड्स बहुत कम आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और जिन्हें अगर वो उदास हो जाएं, किसी बात से उदास हो जाती हैं बहुत जल्दी मान भी जाती हैं, और साथ साथ अगर वो उदास होती हैं तो उनको अगर मनाया जाए तो तुरंत मान जाती हैं और उनको अच्छा लगता है कि कोई उनको मनाए, ऐसे केस में आप मरीज़ को दे सकते हैं पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे सुबह शाम लगभग 1 महीने के लिए, और मरीज़ को हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा कंट्रोल भी आ जाएगा और आराम भी मिलेगा। पांचवी हमारी दवा है दोस्तों जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हमारी उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते, साथ साथ उनके हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो महिलाएं जिनको पेट की बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पूरे पेट में गैस घूमती रहती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, इसके अलावा उनको गर्म चीज़ें खाने में, जो जिनको लाइकोपोडियम चाहिए होती है उनको गर्म चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म दूध, ये सब चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद होती है, इसके अलावा उनको भी वेट गेन की टेंडेंसी होती है और पीरियड्स उनके इरेगुलर होते हैं और उन्हें पानी की प्यास बहुत कम लगती है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और उनके अगर बहुत ज़्यादा बाल भी झड़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते, तो ऐसी महिलाओं को हम देते हैं लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे सुबह शाम लगभग 1 महीने के लिए, उन्हें बहुत अच्छा हाइपोथायरॉयडिज्म में आराम आ जाता है। दोस्तों मैंने आपको जितनी भी ये दवाइयाँ बताई हैं ये सारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हैं, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं इन लक्षणों का इसमें होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इन दवाइयों से आराम आएगा। अगर आप रेंडमली कोई भी दवाई इसमें चूज़ करेंगे तो हो सकता है आराम ना आए, तो जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं उन लक्षणों के हिसाब से ही मेडिसिन लें।
अगर आपको लक्षणों के बारे में और जानना है तो आप इन दवाइयों के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जितने अच्छे आपके लक्षण मैच करेंगे, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी उतना अच्छा काम करती हैं। याद रखिए, एक दवा एक बारी में ही लें अपने लक्षणों के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मेरे अन्य वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक कीजिए। आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने थायराइड से निजात पा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।